प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए उन्नाव के दोस्ती नगर अग्निशमन ट्रेनिंग सेंटर में 277 फायरमैन कांस्टेबलों को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया, जिसमें आग के हादसों के साथ ही रोडवेज, रोड एक्सीडेंट, इमारतों के ढहने और प्राकृतिक आपदा के वक्त जान माल की सुरक्षा करते हुए बेहतर प्राथमिक चिकित्सा मौके पर किस तरह से की जाए, इस बात की जानकारी दी गई। आपदा प्रशिक्षक लखन शुक्ला ने बताया कि सभी फायरमैनों को प्राथमिक चिकित्सा के गुण सिखाए गए हैं, जिसमें शहर के बाहर से भी आए हुए फायरमैनों ने बड़ी तन्मयता से प्रशिक्षण में भाग लेते हुए मौके पर डेमोंस्ट्रेशन भी दिया। श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश फायर सर्विस के निर्देश पे जो फायरमैन आधारभूत ट्रेनिंग हमारे राज्य प्रशिक्षण महाविद्यालय दोस्ती नगर में कर रहे हैं, उनको विशेष तौर से प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार की जो ट्रेनिंग है उस पर बल दिया गया। आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश फायर सर्विस का महाविद्यालय दोस्ती नगर उन्नाव में है, यहाँ पर फायर के जवानों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया गया है। प्राथमिक उपचार के प्रशिक्षण का उद्देश्य मेन है कि यदि कोई इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट के दौरान या किसी को अटैक पड़ जाता है तो उस स्थिति में CPR किस तरह से देना है, CPR के द्वारा व्यक्ति के जीवन को किस तरह से बचाना है, एक तो महत्वपूर्ण ये इस विषय पर दिया गया ट्रेनिंग। किसी भी घटना के दौरान कोई व्यक्ति घायल हो गया तो घायल व्यक्ति को तुरंत उपचार दे करके उसके जीवन को कैसे बचाना है, बैंडेजिंग करनी कैसी है, ब्लड कैसे रोकना है, फ्रैक्चर हो गया तो उसको रिकवर कैसे करना, ये सारी चीज़ें इन लोगों को बताई गई हैं ताकि जीवन को बचाया जा सके। FSO महोदय श्री शिवदरस प्रसाद साहब यहाँ ट्रेनिंग सिखाने के लिए आए थे, जिसमें हमें सिखाया गया कोई भी रेस्क्यू या जीव रक्षा का जब कार्य होता है तो उसमें कैसे जानें बचाई जाती हैं, जब कोई घटना होती है तो उसमें कैसे कैसे रेस्क्यू करके और जीव रक्षा के विषय में अच्छी जानकारी हमें दी गई है।